अल्हम्दुलिल्लाह, पूना का नाम काफ़ी बड़ा हो रहा है बकरेबाजी के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद के फेमस बकरेबाज और भोपाल के फेमस बकरेबाज शावेज भाई और माजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आपका काफ़ी नाम है हैदराबाद में जी। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी पुराने बकरेबाज है, तो पुणे के बकरे कैसे लगे आपको, खास करके मोहसिन भाई के? अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास तौर पे देखिए साहब, पूना का बकरेबाजी के अंदर इतना क्रेज़ बढ़ रहा है और इतना नाम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह पूने के बकरेबाजी को और शौक़ को आगे बढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आके देखा हूँ काफ़ी सारे बकरे, ख़ास तौर पे रुस्तम गोट फार्म के इतने बेहतरीन बकरे हैं माशाल्लाह। ख़ास तौर पे बड़े बकरे देखा हूँ, जैसा कि प्रोफेसर हो गया, कुर्बान हो गया, जादूगर है, टाइगर बकरा है माशाल्लाह, ऑस्कर बकरा है, इतने लाजवाब बकरे हैं ना जिसका मैं कोई मिसाल नहीं दे सकता। इंशाल्लाह जब भी आएंगे चैनल पे पब्लिक खुद बोलेगी इंशाल्लाह। तो बकरेबाजी में तहलका होने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप देख चुके हैं एंड लेवल, काफी दिनों के बाद में लोगों को वीडियो देखने मिलने वाली है। जी जी जी, है ना, तो आपने वो बकरे पहले ही देख लिए माशाल्लाह। हाँ, मोहसिन भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो खास तौर पे हमको इनवाइट किए और बताए मेरे को बकरे माशाल्लाह, बहुत इंडिया लेवल के एंड लेवल के बकरे, एंड लेवल के बकरे माशाल्लाह। जी जी, आपके होल लाइफ में आपने ऐसे बकरे देखे कभी? नहीं, अभी तो देखा हूँ लेकिन इस टाइप के तो नहीं देखा हूँ माशाल्लाह। जो लेवल की तैयारी रुस्तम गोट फार्म पर हुई है ना अभी माशाल्लाह, एंड लेवल। सब अलग ब्रीड में बकरे, वो भी अलग अलग ब्रीड में, ऐसे नहीं है कि एक ही कोटा में ही है। नहीं नहीं नहीं, अलग अलग ब्रीड में और सब माशाल्लाह एक्टिव है, इतनी गर्मी के माहौल में भी माशाल्लाह। इनकी मेहनत है एक्चुअली माशाल्लाह, भाई लोग की जो टीम है ना, जो तजुर्बा है ना ये काम में माशाल्लाह काफी। और इनका जो लॉन्चिंग करने का तरीका है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग पुणे की पब्लिक वेट करती है कि मोहसिन भाई इस बार क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे बराबर। तो वो एक हौसला अफजाई है कि करते हैं पुणे के लोग कि माशाल्लाह ये पुणे का नाम काफी बड़ा हो रहा है। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारे चैनल पे। जजाकल्ला जजाकल्ला। नहीं, हम आपके चैनल को बहुत फॉलो करते हैं माशाल्लाह। सब लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत अच्छी एडिटिंग होती है माशाल्लाह आपके चैनल पे और बहुत अच्छी प्रमोशन होती है माशाल्लाह। और बाकी आपका बहुत बहुत चैनल पे। वालेकुम सलाम भाई। भाई मैं ये कहना चाहूँगा पहले तो आपके चैनल के माध्यम से के पूना की बकरेबाजी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे बड़े बकरे काटने का शौक है लोगों का, कुर्बानी का। लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात लगी, दो साल से आ रहा हूँ रेगुलर, यहाँ के लोगों में माशाल्लाह इत्तेफाक बहुत है, एक दूसरे की जो मतलब मदद करना, अच्छे से रहना, कोई किसी की काट नहीं करना। तो बकरेबाजी तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सब पालना है, सब तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो अखलाक हैं, जो इंसान बनाते हैं, अपन को शौक में लेके आते हैं, वो पूना के लोग बहुत अच्छे से निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो जितने भाई हैं सबसे मिलके दिल खुश होता है। और फिर बकरे तो हमारे हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, एंड बकरे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहूँगा इस आपके चैनल पे एक चीज़ और, कि बकरे सब पालते हैं लेकिन बकरों को प्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, और उसके बाद बकरों को रखने का तरीका, फिर जो आने वाले हैं बकरों को देखने, उनको दिखाने का तरीका, प्रेजेंटेशन जो बकरे का है वो पूना वालों से सीखना चाहिए ऑल ओवर इंडिया को। और ये शौक है भाई, दिखाना चाहिए सबको बकरे, ये नहीं कि शाम को दिखाऊंगा, रात को दिखाऊंगा, सुबह दिखाऊंगा, खाली है बकरा, भाई शौकीन आया है इतने दूर से, आप उसको बकरा दिखाओ, शौक बढ़ाओ। और ये पूना की पब्लिक से सीखना चाहिए, यहाँ पे कोई भी भाई ऐसा नहीं है जो बकरे दिखाने से मना कर रहा है, तुम लेवाल हो नहीं हो, आओ भाई दूर से आयो, मेहमान हो, शौक करो, बकरे देखो। तो आप लोग ये मतलब ये जो मैं बोलना चाहूँगा, ये मुझे अच्छा लगा पूना की पब्लिक को देख के अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैंने कोटे बहुत सारे ख़रीदे, बेचे और पाले भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मतलब दावा करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की जात से उम्मीद करूँगा कि कुर्बान जो बकरा है मोहसिन भाई का, इंशाल्लाह मॉन्स्टर के बाद मोहसिन भाई का ख्वाब ये पूरा करेगा इंशाल्लाह, जहाँ तक मुझे लगता है, और अल्लाह की रास्ते उम्मीद है करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इन लोगों की मेहनत है और इन लोगों के साथ सबसे बड़ी बात दुआएं हैं, सबकी पॉजिटिव दुआएं हैं। मतलब होता ना कि किसी की बुराई लेके इंसान ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता, तो ये लोग बकरे पालने के साथ साथ दुआएँ भी कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छे से बकरे पाल रहे हैं यहाँ की पब्लिक सारी, ऐसा नहीं मोहसिन भाई तो मेरे बड़े भाई हैं, पूरा इंडिया जानता है, लेकिन सबकी बात कर रहा हूँ मैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर है पूना के लोग, सारे बकरे एक नंबर, एक नंबर, नो डाउट। जी 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 जी, ठीक है भाई लोग, आपका बहुत बहुत जजाकल्ला भाई, काफी अच्छी बात है। सलाम अलैकुम जी, अल्लाह हाफिज़।